अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम इमरान असलम, यू आर वाचिंग गुरु स्किल चैनल। आज आपको मुतलका दिए गए टॉपिक के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि गुरु स्किल के आने वाले नए वीडियो आपको मिल सके। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। गुरु स्किल्स के आज के टॉपिक जो कि पाइथन के हवाले से है, उसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि डाटा बिल्ट इन डाटा टाइप्स क्या हैं जो कि पाइथन के रिलेटेड हैं, और इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, किस तरह हम सेट करेंगे डाटा टाइप्स, तो या स्पेसिफिक डाटा टाइप्स किस तरह हम प्रैक्टिकली असाइन करेंगे। ये सारा जितना भी इसके रिलेटेड टॉपिक्स के रिलेटेड जो चीज़ प्रैक्टिकल वर्क है वो आज हम परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ अच्छी तरह जहनशीन कर लेनी चाहिए कि C++, पाइथन, मुख्तलिफ जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसमें मेनली काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं। तो वेरिएबल के हवाले से आपको ऑलरेडी बताया गया था कि किस तरह वेरिएबल में डाटा स्टोर होता है और इसकी क्या डिफरेंट टाइप्स हैं। तो बिल्ट इन जो डाटा टाइप्स हैं पाइथन में, उसके हवाले से आपको बताते चलें कि अगर आपने टेक्स्ट टाइप करना है तो ये बिल्ट इन उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है। इसी तरह अगर आपने न्यूमेरिक कोई चीज़ कोई सेंटेंस अपना एंट्री करेंगे तो उसमें आप इंटीजर, फ्लोट और कम्प्लेक्स बिल्ट इन डाटा टाइप्स है, और इस तरह अगर सीक्वेंस टाइप डाटा आप फीड करेंगे तो उसमें लिस्ट, टपल और रेंज ये डाटा टाइप्स यूज़ होंगी। इस तरह मैपिंग टाइप है जिसको डिक्शनरी बोला जाता है, DICT के साथ हम इसको टाइप करेंगे। इसी तरह सेट टाइप्स हैं जिसमें सेट, फ्रोजन सेट और इसके अलावा बुलियन टाइप हैं जिसमें बुलियन, BOOL, और नेक्स्ट है बाइनरी टाइप्स, बाइट्स, बाइट एरे और मेमोरी व्यू। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप गेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको मैं प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका व्यू थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आपको जो भी कमांड टाइप हो वो थोड़ा इजीली आपके लिए दिखाई दे। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको मैंने कोई वैल्यू दे दी है। अब इस के हवाले से मैं यहाँ पे गेट करूँगा कि कौन सी ये डेटा टाइप है। अब ब्रैकेट्स में मैं उस वेरिएबल का नेम पुट करूंगा तो रन करने से देखेंगे उसने क्लास इंटीजर शो करवा दिया। इट्स मीन कि आपकी जो इसमें वेरिएबल यूज़ हुई है ये इंटीजर डेटा टाइप है। इस तरह क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ले रहा है तो आप खुद भी अगर असाइन करना चाहेंगे तो असाइन कर सकते हैं बिल्ट इन डाटा टाइप। अगर यहाँ पे आप चेक करें कि एक वेरिएबल है उसको मैं हेलो वर्ल्ड जैसा कि एक
फ्लोट के बाद नेक्स्ट जो है हम कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप, जिसमें आपकी टेक्स और इंटीजर ये दोनों को कंबाइन कर लेता है, इसमें ये हम डिस्प्ले करेंगे 1J। अब मैं यहाँ पे अगर इसको शिफ्ट एंटर करूँगा तो ये देखें, ये ऑटोमेटिकली उसने कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप हमें शो करवा दिए। इसके बाद हम 1 by 1 नेक्स्ट जो के लिस्ट, टप्पल, रेंज, डिक्शनरी, सेट, फ्रोजन सेट, बूल, बाइट्स, बाइट एरे और मेमोरी व्यू, इन सब को हम 1 by 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट। लिस्ट आप चाहते हैं कि एक वेरिएबल की बजाय आप एक उसको वैल्यू असाइन करने के बजाय एक से ज़्यादा वैल्यू असाइन करनी हो, तो उसके लिए आप लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट के बारे में डिटेल से मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी डाटा टाइप्स के हवाले से बात हो रही है। तो ये भी एक डाटा टाइप है, इसको हम डिस्प्ले करवाएंगे, आपको बताएंगे कि एप्पल मोर देन 1 इसमें हम वैल्यू लेके आएंगे। उसके बाद चेरी, चेरी के बाद बनाना, इस तरह हमारी लिस्ट ये बन जाएगी एक से ज़्यादा। सॉरी, इसमें आपको डिस्प्ले भी करवाना है। प्रिंट, टाइप, एक्स, शिफ्ट इंटर करेंगे तो ये उसने शो करा दिया है कि ये आपकी जो डाटा टाइप है ये लिस्ट है। इसका वैसे नॉर्मल हम अगर व्यू लेते हैं तो किस तरह का होगा, प्रिंट। अब ने देखें कि वेरिएबल में जस्ट एक आपको वैल्यू डिस्प्ले हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे आप एक वेरिएबल के अगेंस्ट 3 वैल्यू डिस्प्ले करवा रहे हैं और इसकी डाटा टाइप लिस्ट है। डिटेल से इसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा, क्योंकि अभी हम इस टॉपिक को जस्ट डाटा टाइप्स तक रखना चाह रहे हैं और 1 by 1 इन डाटा टाइप्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म करना चाह रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा इनका आइडिया हो। बाकी जो भी इसमें डिफरेंस है वो आपको हम फिर बाद में बताएंगे। अब मेनली नेक्स्ट जो है टप्पल, टप्पल में आप जस्ट एक डिफरेंस है कि यहाँ पे बाद में चीज़ें जो है ऐड करना नहीं पॉसिबल होता, स्मॉल ब्रैकेट्स आप अगर इस्तेमाल करेंगे इसमें तो ये टप्पल आपका डिस्प्ले होगा। इस तरह शिफ्ट इंटर करें, ये देखें उसने टप्पल ही डिस्प्ले करवा दिया है। इसके बाद रेंज के हवाले से आपको बताएंगे कि रेंज बिल्ट इन डाटा टाइप क्या है, उसको प्रैक्टिकल हम एक्स रेंज 6 प्रिंट करवा लें पहले, ताकि आपको अंदाज़ा हो। उसके बाद इसकी टाइप अब आप शिफ्ट इंटर करेंगे तो ये देखे उसने रेंज आपके बता दिए, क्योंकि आपने जस्ट एक उसको वैल्यू दी थी कि कौन सी रेंज तक ये आपका वेरिएबल शो हो। अगर मैं यहाँ पे 1-6 करता हूँ तो चेक करें इसका रिजल्ट,
ये देखें आपका उसने अब 1/6 यानी कि 1 से लेकर 6 तक की एक रेंज डिफाइन कर दी है इसकी बिल्ट इन डाटा टाइप्स की। फर्दर डिटेल से आपको चीज़ों को बताएंगे लेकिन अभी आपको इसका इनिशियल ओवरव्यू दे रहे हैं हम। और अब नेक्स्ट जो है डिक्शनरी है, ये आप कुछ चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं लाइक एक्स इसमें आप कंप्लीटली कोई भी डिटेल दे सकेंगे। एज ये बंद हो गई यहाँ पे, उसके बाद आप देखेंगे तो इसकी प्रिंट हम करवा सकते हैं डिक्शनरी को। सेम इसको हम इसी में अगर हम ऐड करना चाहें तो प्रिंट एक्स टाइप एक्स। अब देखें उसने एज ए उसको डिक्शनरी को आपका सेव भी कर लिया है और नेक्स्ट उसकी क्लास जो है वो शो भी करवा रहा है कि कौन सी ये क्लास है और इसके डिटेल आपको वो बता रहा है सारी। नेक्स्ट इसकी जो डेटा टाइप्स है बिल्ट इन एक वो है सेट। एक्स एप्पल बनाना चेरी ये प्रैक्टिकली आप परफॉर्म करें क्योंकि ये चीज़ें अभी इनिशियली आपको एक बार गो थ्रू करवाई जा रही हैं, फिर इन तमाम टॉपिक्स को हम डिटेल के साथ आपको फर्दर बताएंगे कि ये किस लिए इस्तेमाल होती है, कौन सा डेटा टाइप, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और ये इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, किस लिए यूज़ होती हैं। अभी जस्ट ओवरव्यू आपको प्रैक्टिकली हम बताएंगे कि ये इसी तरह बुलियन आ जाएगा। बुलियन में आप जैसे कि आपको मालूम है ट्रू फॉल्स डिस्प्ले करवाया जाता है लाइक एक्स इज इक्वल टू ट्रू शिफ्ट प्रिंट आपकी वो वैल्यू उसने सॉरी आपको पहले भी जैसे कि बताया था कि हमेशा जो इस ये क्योंकि पाइथन के सेंसिटिव है तो आपने बड़े ध्यान से अपनी कमांड्स को यूज़ करना है टाइप एक्स टाइप एक्स। अब उसने डेटा टाइप भी शो करवा दी और आपकी जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया था वो भी उसको उसने डिस्प्ले करवा दिया है। नेक्स्ट जो है बाइट्स, ये आपका पूरा बाइट्स जो है उसको डिस्प्ले करवाएगा। इसका सिंटैक्स
सिक्स इक्वल टू बाइट हेलो प्रिंट एक्स सेम प्रिंट टाइप एक्स। ये देखें इसने आपका जो बाइट्स का वो डिस्प्ले करवा दिया, दूसरा उसकी जो डाटा टाइप्स है वो इसने डिस्प्ले करवा दी है। अब लास्ट जो हमारी है वो मेमोरी टाइप। अब उसके लिए मैं आपको जस्ट ये थोड़ा सा बताता जाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सारी प्रैक्टिस बाय हैंड अपने पीसी पे खुद भी परफॉर्म करेंगे। अब बाइट 5 जो है इसका मेमोरी व्यू आपको बताएगा कि मेमोरी में इसका प्रिंट एक्स फिर आप प्रिंट इसकी डाटा टाइप टाइप और ये यहाँ पे कहाँ मिस्टेक, एक मिनट, मेमोरी व्यू जो है आपका एक्स इज इक्वल टू मेमोरी व्यू बाइट्स। क्या कह रहा है नीचे इसका, ये देखें नीचे यहाँ पे इसकी जितनी भी डिटेल होगी वो आपको बता देगा कि आप कहाँ पे। हाँ इसमें ये है कि सॉरी, इसमें आपने जो वेरिएबल है वो तो डिक्लेयर ही नहीं किया कि कौन से वेरिएबल को आपने, ये देखें ये आपका मेमोरी व्यू यहाँ पे शो हो रहा है। कोशिश करें इसको आप स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को लेके चलें, और क्योंकि अभी ये बेसिक चीज़ें हैं इसलिए डीपली इन चीज़ों को हम लेके नहीं गए, जस्ट इसको बिल्ट इन डाटा टाइप्स की हद तक ही हमने रखा है और उस पर ही सारा कुछ जो प्रैक्टिकली परफॉर्म करना था वो किया है। इसी तरह आप नेक्स्ट जो है वो इसको सेट भी खुद कर सकते हैं, जिस तरह अब मैं एक स्पेसिफिक जो डेटा टाइप्स है उसकी सेटिंग उसी हिसाब से ताकि वो डिस्प्ले ही अपने उसी मुताबिक आए। सेटिंग डेटा टाइप स्पेसिफिकली, अब जैसे कि आपने लास्ट कमांड में देखा था कि आप उसको डिस्प्ले जो ऑलरेडी वो ऑटोमेटिकली उसने प्रिंट किया और आपने उसको कोई भी डेटा टाइप असाइन नहीं की थी, लेकिन यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की इसको डेटा टाइप असाइन कर सकते हैं। जैसे कि हेलो वर्ल्ड के लिए मैं इसको स्ट्रिंग जो कि इसकी डेटा टाइप है उसी को सेट करना जा रहा हूँ। ये देखें आप टाइप और ये, अब ये जो आपने डेटा टाइप है इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग आप इसको सेट कर चुके हैं। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी से होगी तो वही जो एस ओ पीज के मुताबिक है, लेकिन इस तरह आप वन बाय वन डाटा टाइप्स साथ असाइन कर सकते हैं। पाइथन को आप ऑप्शन नहीं देते कि वो खुद ही इसको असाइन करे, जैसे इंटीजर में इंटीजर है तो मैंने इसको इंटीजर को असाइन कर दिया, शिफ्ट करके मैं इसको एक तो इसको प्रिंट कर रहा हूँ और इसकी डाटा टाइप को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। जब आप शिफ्ट, ये देखें इसमें आपकी डाटा टाइप और आपकी वैल्यू उसने 20 जो थी वो प्रिंट कर दी है, और नेक्स्ट आपकी जो डाटा टाइप है वो उसने जो सेट आपने की थी वो प्रिंट कर दी है, उसकी डाटा टाइप को बता दिया है। इस तरह अगर आप फ्लोट के हवाले से देखेंगे तो फ्लोट आप डाटा टाइप खुद असाइन कर देंगे, जैसे कि
फाइव, सॉरी इसमें यहाँ पे, अब मैं यहाँ प्रिंट करवा लेता हूँ इसको। पाइथन में आप इंडेंट इसके ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि इंडेंट में आप थोड़ी मिस्टेक करेंगे तो फिर आपके लिए कोड में भी इशू आएगा। अब नेक्स्ट मैं इसकी डाटा टाइप उसको भी मैं डिस्प्ले करवा लेता हूँ। अच्छा जी, ये आपकी फ्लोट फ्लोट फ्लोट, आपकी डाटा टाइप तो डिस्प्ले इसने करवा दी है, लेकिन सॉरी मैं इसमें जो उसने असल में डेटा टाइप तो डिस्प्ले करा दी है, मैं टाइप यहाँ पे यूज़ करना था, मैं गलती से डेटा टाइप कर चुका हूँ। ये जो थोड़ी सी चीज़ें आपको जज करने के लिए भी बता जा रही हैं कि मैं इसलिए यहाँ पे मैंने गलती की है, ताकि आपको फिर नीचे से जहाँ पे कोड एरर दे रहा है वो आपको पता चल सके कि कहाँ पे इशू आ रहा है। तो वो उसने नीचे आपने एरर में चेक भी किया होगा कि डाटा टाइप का उसने एरर दिया है कि आपने टाइप इंटर करना था, आप डाटा टाइप इंटर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट मैं कॉम्प्लेक्स को सेम वही प्रोसीजर, क्या मैं कॉम्प्लेक्स को असाइन कर देता हूँ। कॉम्प्लेक्स जो है इसको मैं डिस्प्ले, सॉरी इधर आपने वेरिएबल नेम गलत लिख दिया, एक्स, उसके बाद टाइप नॉट डाटा टाइप। अब कॉम्प्लेक्स आई प्रिंट टाइप, यहाँ पे फिर कॉम्प्लेक्स का आपको बताया था जैसे कि वो डिजिट और टेक्स्ट या स्ट्रिंग आपने इकट्ठे कंबाइन करके फिर इसको देना है। तो अब वो कह रहा है कि टाइप टेक्स वन और थ्री आर्गुमेंट्स। अब फिर यहाँ पे मैंने मिस्टेक ये कर दी है कि मैंने वेरिएबल नेम नहीं दिया, तो वेरिएबल नहीं देंगे तो फिर ये कैसे डिस्प्ले करेगा। ये देखेंगे, इसने आपकी कम्प्लेक्स डेटा टाइप को डिस्प्ले कर दिया है। अब आपकी नेक्स्ट हम लिस्ट को सेट करेंगे, डेटा टाइप बिल्ट इन जो है आपकी, इससे ये होगा कि आप एक स्पेसिफिकली डेटा टाइप असाइन कर देंगे। वैसे तो पाइथन ऑटोमेटिकली उसको इस्तेमाल कर रहा होगा, लेकिन अगर आप खुद कर देंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। अब जैसे लिस्ट में लिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं हम एप्पल, उसके बाद बनाना हमेशा ये कोटेशन में देनी है, स्ट्रिंग्स एप्पल बनाना मैंगो, प्रिंट। थोड़ा सा आपको कोड एग्जीक्यूट करने से पहले एक बार देखना ज़रूर चाहिए, मैं थोड़ी ये गलती कर रहा हूँ।
अब देखिए लीस्ट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट वन आर्गुमेंट गोट थ्री। अब यहाँ पे लिस्ट जो है लिस्ट के ये डबल इसकी ब्रैकेट्स आनी थी क्योंकि आप सेट कर रहे हो उसको शिफ्ट। तो ये देखें आपका जो है लिस्ट की ये अब डाटा टाइप ऑटोमेटिकली जरूरत नहीं है आपको सेट करवाने की बल्कि आपने खुद सेट कर दी है। इस तरह टप्पल जो है उसके लिए आप सेम प्रोसीजर यही लेंगे लेकिन उसमें आप लिस्ट की जगह टप्पल कर देंगे। मैं पूरा कोड यही ले रहा हूँ, सिंटैक्स में जस्ट आप इसकी सेटिंग और इसकी सेटिंग में जस्ट आपने एक टप्पल की चेंजिंग करनी है तो आपकी ये सेटिंग हो जानी है। ले जी अब आपका नेक्स्ट जो बिल्ट इन डाटा टाइप्स है वो आपने एज ए उसको टप्पल सेट कर दिया है। अब नेक्स्ट आप रेंज की तरफ आएंगे, अब इसका रेंज मैंने 8 तक खुद सेट कर दिया है। इसको मैं प्रिंट कराऊंगा उसके बाद सॉरी रेंज मैंने गलत टाइप किया है, प्रिंट हो गया। प्रिंट के बाद टाइप एक्स करवाएं। अब ये देखें कि इसने रेंज आपको शो करवा दी और अब आपने इसको सेट कर दी है इसकी डाटा टाइप रेंज जो कि अब ये पाइथन प्रोग्रामिंग या उस पर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली असाइन नहीं होगी। इसमें इस जस्ट आप जिस पे काम कर रहे हैं जिस सीट में तो उस पर ये चीज़ें आपकी प्री डिफाइंड जो है असाइन हो जाएंगी। इस तरह एक डिक्शनरी के लिए आप सेट कर सकते हैं एक्स डिक्शनरी आपकी आ गई नेम में नेम अली उसके बाद एज 389 कर दें इसको इंटर करें एक्स प्रिंट। आज का थोड़ा ट्यूटोरियल लेंथी है, उम्मीद है कि आप साथ साथ इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्योंकि आपको पहले ही बताया गया कि ये ट्यूटोरियल सारे इंटरेक्टिव हैं। आप साथ साथ प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि साथ साथ चीज़ों को सीखें आप। अब डिक्शनरी के बाद सेट बिल्ट इन डाटा टाइप की तरफ चलते हैं, उसका भी यही सेम जस्ट आपने लिस्ट की जगह सेट और बाकी सेम आप डिस्प्ले कराएंगे तो सेट डेटा टाइप शो हो जाएगी। नेक्स्ट जो आपकी फ्रोजन सेट है बुलियन की तरफ आएंगे हम। बुलियन में देखें कि एक्स अगर आप एक बुलियन उसको कर देते हैं सेट 10 ट्रू या फॉल्स की सूरत में ये प्रिंट करें प्रिंट टाइप एक्स शिफ्ट। अब ये देखेंगे ये ट्रू वैल्यू होगी है तो उसने डेटा टाइप आपकी जो आपने साइन की है वो सेट की है वो बुलियन सेट हो चुकी है। नेक्स्ट आपकी डेटा टाइप्स हम बाइट की तरफ जाएंगे जैसे कि एक्स इसको बाइट्स 10 प्रिंट आपका वेरिएबल हो जाए प्रिंट आपकी डाटा टाइप हो जाए।
ये आपकी उसने बाइट्स और उसका जो डाटा टाइप्स है वो सेट कर दी है। इस तरह बाइट एरे नेक्स्ट जो के वो आपको बताएगा बाइट एरे 10 प्रिंट एक्स प्रिंट टाइप एक्स। अब बाइट एरे के हवाले से आपको उसने डाटा टाइप और अपनी वैल्यूज डिस्प्ले करवा दी है और आपने उसको बाइट एरे डाटा टाइप बिल्ट इन जो आप सेट कर चुके हैं। अब लास्ट पे मेमोरी व्यू आपको बताएगा, उसमें सेम वही प्रोसीजर आप मेमोरी व्यू आपके बाइट्स होंगे यहाँ पे 10 प्रिंट करेंगे इसको डिस्प्ले करवाने के लिए। सेम आपकी उसने मेमोरी डिस्प्ले करवा दी है। उसके बाद आप प्रिंट टाइप एक्स प्रिंट टाइप एक्स का सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है। अब शिफ्ट आज के टॉपिक जो कि आपको एक इंट्रैक्शन था डाटा टाइप्स बिल्ट इन डाटा टाइप्स क्या हैं और हम अपनी तरफ से डाटा टाइप्स कैसे सेट करते हैं। इसमें दो ऑप्शन होती है, या तो वो पाइथन ऑटोमेटिकली उसको असाइन करती है या हम खुद उसको डाटा टाइप असाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिकली आप इसको परफॉर्म करें, आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स और फीडबैक से हमें महसूस हो रहा है कि काफ़ी लोग इस चीज़ों को लाइक कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं। आप स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते जाएं और जो भी क्यूरी है वो कमेंट्स करें। नेक्स्ट हम मज़ीद अच्छे टॉपिक के साथ आपको गाइड करेंगे। उम्मीद है आज का टॉपिक और हमारी काविश आपको पसंद आई होगी। किसी भी क्वेरी या सजेशन के लिए कमेंट करें, आपके फीडबैक को तरजीह दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।